हाँ, तो चैप्टर वन पॉलिटिकल साइंस का आज पार्ट टू होगा ये अपना। पहला पार्ट पूरा टोटली थ्योरी था, आज का भी कुछ थ्योरी है, उसके बाद में बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था ना, वैसे छोटी सी बात बता दूँ आज के वीडियो के स्टार्टिंग से पहले, कि आपको जब भी जैसे आज का पार्ट पढ़ना है, लेकिन पहले पार्ट को पहले रिविजन करना है, फिर इसको पढ़ना है। जैसे पार्ट थ्री आएगा तो पहले वन और टू को रिविजन करना है, फिर थ्री पढ़ना है, फिर फोर आएगा तो वन टू थ्री रिविजन, फिर फोर्थ, इस तरीके से चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चैप्टर आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। लेकिन जैसे पार्ट वन पढ़ के छोड़ दिया और बहुत दिन पार्ट टू पढ़ा, वन को पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। डेली रिविजन करते रहना है, क्योंकि थ्योरी है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छा इंटरेस्ट बढ़ाओ, और तरीका ये रखना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए जब तक अपन को ये सेम पैटर्न रखना है। पहले दिन का रिविजन, फिर अगले दिन पढ़ना है, फिर उन दोनों दिन का रिविजन, ऐसा करके पूरा 6 दिन का रिविजन, 7वें दिन फिर पूरे चैप्टर का रिविजन। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे चैप्टर को आप 10 मिनट में रिविजन कर लोगे, ऐसा दिन भी आएगा एक दिन, ठीक है? तो मतलब इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है? और किसी किसी को कम लर्न होता तो लिख लिख याद कर लिया करो, ओके? चलो, 4 क्वेश्चन अपन कर चुके थे, आज करते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हो, 5, 6 और ये 7, सॉरी 8 लिख दिया, 5, 6, 7, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन देखो, तीनों में क्या है, तीन वर्डों से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन से? राजनीतिक पहचान, यानी कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी, समझ पा रहे हो? ओके। दूसरा क्वेश्चन है नैतिक पहचान, ठीक है, यानी कि मॉरल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी। तीसरा है राष्ट्रीय पहचान, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी। तीनों शब्दों से तीन क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछे हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी की बात है, सब में ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो भी एग्जाम होते हैं ना अपने 11th में उनके। तो ये बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट थे, तीनों डीपली नोट्स बना रहे हैं अपन, बिल्कुल लाइन टू लाइन, इनके अलावा कुछ मत पढ़ना वाले, बस समझ लो एक एक बात को। बात क्या है, क्वेश्चन संविधान के ये तीनों ही, कि हमें जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राजनीतिक पहचान यानी कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे देता है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल आइडेंटिटी यानी कि नैतिक पहचान कैसे देता है, हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो नेशनल आइडेंटिटी कैसे देता है। बस ये तीनों शब्द तीन तरह के क्वेश्चन बनाता है। अब देखो आंसर, कि संविधान के माध्यम से ही कोई समाज, ध्यान समझना, संविधान के माध्यम से ही कोई समाज ये डिसाइड कर पाता है कि शासन कैसे होगा, शासित कौन होंगे। दो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इट इज थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सोसाइटी फॉर्म्स इट फंडामेंटल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाय एग्रींग है, ठीक, एग्री होना, सहमत होना, एग्रींग ऑन बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सच इज हाउ विल इट बी गवर्न्ड, यानी कि शासन कैसे होगा। जैसे भी हमारे यहाँ ऐसा मान लो कि हर स्टेट के अंदर सरकार होती है, उसमें चेक करना है कि शासन कैसे होगा, भाई कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा। दूसरा, शासित कौन होंगे, है ना, शासित का मतलब है हु विल बी गवर्न्ड, किसको शासित करोगे आप। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, इनके आंसर हमें हमारा संविधान देता है, और वो ही हमारी एक पॉलिटिकल पहचान, एक राजनीतिक पहचान। कैसे, कि जैसे कह दिया किसी देश में किसकी सरकार है ना, बीजेपी की है, कांग्रेस की, अलग अलग पार्टियां होती है, वो उसकी एक राजनीतिक पहचान है वो, क्योंकि ये पता चल रहा है कौन शासन कर रहा है, शासित मतलब जनता उसके द्वारा शासित हो रही है, गवर्न हो रही है, ये चीज़, ठीक है? तो ये तो हमारी होगी पॉलिटिकल पहचान, ठीक है, आइडेंटिटी। दूसरी है नैतिक पहचान। नैतिक मैंने अपने कुछ पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसी लिमिट्स, ऐसे कुछ बंधन, ऐसे कुछ आधिकारिक बंधन लगा दिए, यानी कुछ ऑफिशियल बाइंडिंग लगा दी किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो उन कायदे से बाहर नहीं जा सकती, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड व्हाट वन कैन एंड कैन नॉट डू बाय इम्पोजिंग ऑफिशियल बाइंडिंग, मतलब आधिकारिक बंधन है लगा दिए, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये मैं अपन ने पहले पढ़ लिया था, क्योंकि सरकार को अगर पूरी छूट दे दी जाएगी फिर तो राजतंत्र बन जाएगा, है ना, पहले जैसे राजा महाराजा करते थे, लेकिन कुछ बाइंडिंग है, उनके बाहर नहीं जा सकता, वरना उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा करके वह हमें कैसी पहचान देता है, एक नैतिक पहचान देता है, एक मॉरल आइडेंटिटी देता है, कि सबकी नज़र में चाहे कितनी बड़ी गवर्नमेंट क्यों ना हो, अगर वो गलती कर दिए तो सबके ऊपर जुडिशरी, न्यायपालिका है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका, स्वतंत्र है, वो आज़ाद है, वो फ्री है, उसके ऊपर किसी का कोई रोक टोक नहीं है, समझ पा रहे हो ना। तो वो जो जुडिशरी हमारे देश के अंदर है, न्यायपालिका है, वो सरकार के ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगाती है, अगर गलती करेगा तो उनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, और गलती करोगे जेल भी हो सकती है, समझ गए।
ये बहुत बड़ी चीज़ है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। और तीसरी राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी। ये कैसे होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। एग्जाम्पल लूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हमारे देश में अभी प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और फिर हमारे राज्यों के अंदर जो अलग अलग 28 स्टेट्स है अभी फिलहाल, उन राज्यों के अंदर दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहेगी, है कि नहीं। क्यों ये बात क्यों कही, ये इसलिए कि हर राज्य में सेम गवर्नमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल अभी एट प्रेजेंट जैसे सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है ना, और राज्यों के अंदर राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो ये जो आपस में जो बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, ऐसा नहीं है लेकिन बैठाना पड़ेगा। ये जो आपस में बिठाते हैं, जैसे चाहे अभी ये जो टीकाकरण चल रहा है, वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री दे रही है हर स्टेट को, तो ऐसा नहीं कर रही कि भाई यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है तो हम वैक्सीन फ्री नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो आपस में रिलेशन है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। कैसे कि पूरे संसार के अंदर ये पहचान है कि चाहे सरकार कोई सी भी हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है, लेकिन किसी ये नहीं है कि बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में होती तो ही डेवलप, मतलब हम यहाँ विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी वो जो वही मदद करते हैं जो बाकी बीजेपी जो स्टेट है वहाँ पर, जैसे यूपी के अंदर बीजेपी सरकार है तो वहाँ पर जितनी मदद की जा रही होती राजस्थान में की जाती है, समझ पा रहे हो। तो मतलब ये जो संबंध है, भले पार्टी कोई सी भी हो, ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, ये हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट नेशंस एम्बडी डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रिलेशन होते हैं ऑफ ए नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच में शुड बी दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री, किसी देश की एक राष्ट्रीय पहचान है। यानी कि विभिन्न राष्ट्रों में देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, और जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, मतलब स्टेट मान लो, राज्य मान लो, उनके बीच में जो संबंध होते हैं उनको लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएँ होती है। भिन्न भिन्न अवधारणाएं मतलब अलग अलग लोगों की सोच होती है अलग, लेकिन उन भिन्न भिन्न अवधारणाएं जो होती है सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान है, समझ पा रहे हो। लेकिन उन इतनी भिन्न भिन्न अवधारणाएं होने के बावजूद भी, जैसे वेस्ट बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार हमेशा अलग होती है, लेकिन फिर भी आपस में संबंध अच्छे ही होते हैं, समझ पा रहे हो। अपन को एक पॉजिटिविटी लेके चलना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। इतने परफेक्ट नोट्स है, लाइन टू लाइन एक एक चीज की इसे नस चेक कर लिए मैंने, एक एक चेद जड़ खोद दिए इन, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इनको सफिशिएंट अच्छे से नोट्स बनाओ, यही लेवल होना चाहिए। एग्जांपल भी साथ में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है कि संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर हैं, किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। द इफेक्टिवनेस बोल दो, चाहे प्रोमलगेशन भी होता है, प्रोमलगेशन वर्ड आ जाए तो भी चिंता मत करें, इसका मतलब ही होता है संविधान को प्रभाव में लाना, इफेक्ट में लाना। तो दोनों इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों शब्द भी सही है, दोनों वर्ड सही है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, मैंशन एनी वन रीजन, कोई एक कारण आपसे पूछा, एक क्यों पूछा, क्योंकि एक ही है आपकी बुक में, ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखो, हालांकि मैं ये बात बता चुका, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में अभी लिख रहे हैं अपन, कि मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी संविधान सबसे बेस्ट संविधान कब माना जाता है, या फिर कोई भी संविधान सबसे इफेक्टिव संविधान, सबसे प्रभावी संविधान, सबसे इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाता है, जब उसको नेशनल मूवमेंट के नेताओं द्वारा बनाया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा बनाया जाए, नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा बनाया जाए। और वो लीडर्स भी कौन से, जो जनता को पसंद हो, जनता जनता के चहेते हो, समझ गए। और आपको बताया हमारी संविधान सभा के अंदर, चाहे महात्मा गांधी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ये सारे वो लोग हैं जो संविधान सभा के अंदर मतलब पार्टिसिपेट किया था, संविधान सभा के अंदर मतलब इन्होंने काम किया था, और सारे नेशनल मूवमेंट जुड़े हुए हैं, अंग्रेजों को भगाने में सबका योगदान है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका है कि नहीं है। तो जब इनके, और ये जनता के चाहते भी हैं, जब इनके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो सोचो कितना प्रभावी होगा। तो सबसे बेस्ट कारण वही है, सबसे बेस्ट, ध्यान रखना, बहुत टॉप लेवल का आंसर है, पूछा गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। मतलब सबसे बेस्ट संविधान कौन सा माना जाएगा, कि संविधान कोमा
वह संविधान जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया गया हो और जिनके पास समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता हो। हमारे जितने भी लीडर हुए सब ने सभी समाज को साथ लेके चले, सही बात है ना, वो उनकी एक एबिलिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय पॉपुलर लीडर्स ऑफ सक्सेसफुल नेशनल मूवमेंट हु हैज़ द यूनिक एबिलिटी, मतलब एक विलक्षण क्षमता, यूनिक एबिलिटी ऑफ सोसाइटी टुगेदर, समाज के लोगों को साथ में लेके चलने की एक यूनिक एबिलिटी होनी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान कैसा संविधान कहला जाएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, दुनिया के सबसे बेस्ट संविधानों की बात की जाए, तो भारत का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, तीनों ही नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के द्वारा बनाया गया है, तीनों ही लिखित है, तीनों ही रिटन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से लिखोगे दो में से दो नंबर मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल नहीं लिखो इसको भी और कुछ लैंग्वेज में लिख दोगे फिर वो बात नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट्स की लेवल देखो आप, स्टैंडर्ड देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, एक अलग से आपकी हेडिंग दे रखी थी, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना दिया मैंने, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। उसमें एक आपकी हेडिंग है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। इससे आप क्या समझते हैं, या संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, है ना, इनका क्या मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं इनको बिना पढ़े, कि इसका इस शब्द का मीनिंग अगर आपसे पूछे 1 मार्क्स में, तो पहले आपको बताऊँ ना कि दिमाग में, माइंड में एक स्टोरी बन जानी चाहिए। देखो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमारी जो सरकार के पास जो पावर होती है उसको बांट रखा है। कैसे, अगर जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है कि नहीं है। अब राज्य सरकार में भी जैसे मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री नीचे मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, है ना, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, अलग अलग पावर बांट रखी है। वैसे ही जैसे कि रेलवे है, जो हमारी ट्रेनें हैं, रेलवे जो डिपार्टमेंट होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, उसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन स्टेट जो होता है, हर राज्य का जो रेवेन्यू होगा, जैसे हमारा राज्य है, हर राज्य का जो जनता होगी वो टैक्स देगी, लेकिन वो जो राज्य का टैक्स होगा वो राज्य खुद लेगा, वो स्टेट खुद लेगा। जैसे कि हर स्टेट की जो पुलिस होती है, वो उस पुलिस को पैसा वहीं की, जैसे राजस्थान पुलिस है, तो राजस्थान पुलिस को जो सैलरी होती है वो राजस्थान गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस को यूपी गवर्नमेंट पैसा देगी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर जनता जो टैक्स देगी, वो सारा का सारा टैक्स यूपी गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट रखेगी, समझ में आ गई। और वो जो टैक्स आएगा वो, हाँ, मतलब हमारे स्टेट के यूज के, जैसे सिक्योरिटी में पुलिस के लिए पैसा यूज होता है, बाकी अपन हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में यूज़ करती है हमारी सरकार। ये तो ये पावर अलग अलग बांट दी। अगर ऐसा नहीं करते तो अगर पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती, केंद्र सरकार के पास में होती, तो फिर राज्य का कोई मतलब ही नहीं था, स्टेट का कोई मतलब नहीं, सारे स्टेट के ऊपर तो पूरा का पूरा पावर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन नहीं, सब राज्यों का अलग अलग सेपरेट पावर है, सबके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर, इसकी अलग पावर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे स्टेट हाईवे होते हैं, राज्य स्टेट हाईवे जानते हो ना, जो राज्य के अलग अलग स्टेट हाईवे होते हैं, तो स्टेट हाईवे पर जितना भी टोल टैक्स होगा वो राज्य के पास रहेगा। तो नेशनल हाईवेज होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इस तरीके से अलग अलग, ये मतलब अपन डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने कर रखा है, ठीक है, ताकि हमारे संविधान को ख़त्म ना कर सके कोई। कैसे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर दे दी, फिर तो राजा बन गया, वो राजा हो गया, वो कहो पहले वाला सिस्टम चल गया, राजा पूरे मनमर्जी करेगा, उससे तो हमारा संविधान ख़त्म है। फिर संविधान का मतलब डेमोक्रेसी ख़त्म, लोकतंत्र ख़त्म। इसलिए हमारे संविधान को बचा के रखने के लिए बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है। बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा आंसर है, मेरी बात अगर आप समझ गए तो ये आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। कैसे, कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा से आशय ये है कि संविधान ये सुनिश्चित करें कि किसी एक संस्था, कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, ठीक है। द बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंश्योर दैट
नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर्स, पूरी की पूरी पावर का किसी एक संस्था के पास में ताकत नहीं होनी। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के पास में सारी शक्तियां, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए कैसा कि ऐसा एकाधिकार ना हो, ठीक है, ऐसा करने के लिए सरकार की शक्तियों को हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कई संस्थाओं में बांट दिया, बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दिया। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊँ आपको, हमारा राज्य, उसमें मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे कैबिनेट, यानी कि मंत्री बनाएंगे, मंत्री भी अलग अलग फील्ड का अलग अलग मंत्री, ठीक है, फिर MLA, सबको अलग अलग पैसा मिलेगा, अलग अलग पावर है, समझ पा रहे हो। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो स्पोर्ट्स का उनका अलग कोटा, अलग पैसा आ गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्री, उनके पास अलग पैसा आ गया। जो रेलवे के, मतलब हर चीज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए अपने, ऐसा नहीं कि एक जुना पैसा, नहीं, सब में बांट दिए। और उस तरीके से क्या, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और किसी के ऊपर ऐसा, मतलब एकाधिकार नहीं होगा, समझ पा रहे हो, हड़पना नहीं होगा, ये अक्वायर नहीं कर पाएगा कोई, ध्यान रखना। तो संस्थाओं में बांट दिया जाता है ताकि कोई एक संस्था संविधान को खत्म ना कर दे, नष्ट न कर सके, समझ गए। यानी कि दिस इज ऑप्शन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सो दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को खत्म ना कर सके, सबको बराबर बंटवारा हो जाए, ये चीज़ है, ठीक है। फिर इतना तो होना ही होना चाहिए, इसका मतलब इतना तो होता ही होता है। अगर 1 मार्क्स में आता है तो इतना आंसर सही है, 2 मार्क्स में आता है तो फिर थोड़ा सा और जोड़ा मैंने, वो लिखना है। इसके साथ ही जो संविधान होता है ना, उस संविधान में कुछ बाध्यकारी मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, ये तो होती ही होती है। उनके साथ साथ में जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, वो लचीलापन का संतुलन होना चाहिए ताकि आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सके। मैं छोटी सी बात बताऊं कि हमारा संविधान है, उसमें रूल रेगुलेशन है ना, कुछ रूल रेगुलेशन है, सर्टेन वैल्यूज है, ये सब बातें हैं, प्रोसीजर्स, अलग अलग प्रोसीजर हैं। लेकिन बात क्या है, इसके साथ में हमारे संविधान के अंदर लचीलापन भी है, सॉफ्टनेस भी है। कैसे, कि जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान में अमेंडमेंट कर देते हैं, संविधान में संशोधन कर देते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कि जैसे जैसे हमें लगा कि यार ये जो रूल है ना बहुत ज़्यादा, मतलब हैवी है, जनता के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इसका, तो हम संविधान में अमेंडमेंट कर देते हैं। संविधान में 105 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके, तो मतलब हमारे अमेंडमेंट अपन चेंज करते रहते हैं, उसे थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है, मतलब लोगों को थोड़ी छूट दे दी जाती है, समझ गए। वैसा संविधान होना चाहिए और वैसा हमारा है, तभी तो हमारे संविधान में दो खास बात है कि कठोर के साथ साथ में लचीला भी है, समझ गए। ये हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है ना। तो बताता हूँ मैं आपको, अच्छे समझना, कि ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स इज अथॉरिटेटिव एंड द सेम टाइम्स अलाउ इनफ फ्लेक्सीबिलिटी इन द ऑपरेशंस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सरकमस्टांसेस, ठीक है। सरकमस्टांसेस मतलब कि ऐसी कोई जरूरत हो तो उनके अनुसार उसमें चेंज भी किया जा सके, ऐसा भी हमारा होना चाहिए संविधान। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के ऊपर प्रेशर में कंट्रोल कर लिया, संविधान का नियम है तो है, ऐसा नहीं है। हम संविधान में चेंजेस भी करते हैं ताकि गवर्नमेंट और सरकार के बीच में बैलेंस बना रहे, जनता और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बैलेंस बना रहे और हमारा संविधान बच सके। संविधान को बचाना ही ये एक तरीके से ये बॉडी है, समझ में आ गई। तो शानदार आंसर, लेकिन अभी इसको पूरा नहीं करेंगे, एक एक एग्जाम्पल और लूंगा, तब जाके 2 नंबर का या 3 नंबर तक का आंसर बनेगा ये। तो इसमें अभी थोड़ा सा इसका आंसर और बच रहा है, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखो उसका, कि फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इवन इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडीज, स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं उसको, बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन, EC। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हमारे भारत का जो संविधान है, आपको पता है कि तीन, जैसे सबसे पहले अपन बात करें लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर ने अगर कोई गड़बड़ करी तो एग्जीक्यूटिव और इन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ हो गई तो जुडिशरी उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी,
अगर इसने कोई गड़बड़ करी, यानी कार्यपालिका ने, तो न्यायपालिका ओके क्या ना विधायिका में कोई मिस्टेक हुई तो कार्यपालिका विधायिका ऊपर कंट्रोल रखती है, विधायिका कार्यपालिका पर, दोनों आपस में तालमेल। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो न्यायपालिका कंट्रोल करती है। भाई न्याय जुडिशरी तो फाइनल है, क्योंकि जो हमारे भारत के अंदर न्यायपालिका जितना जुडिशरी है वो बिल्कुल सेपरेट है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, ठीक है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी करेगी, वो सबके बिल्कुल दोनों को जो जिसकी गलती है उसके ऊपर फैसला करेगी, ठीक है। ये बात, यही मैं एग्जांपल दिया है मैंने, जैसा वो अपने मैंने कहा ना एग्जांपल, तो एग्जांपल ये। दूसरी बात कि यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, हमारे भारत के अंदर सबसे इंडिपेंडेंट अगर बॉडी की बात की जाए, स्टेट्यूटरी बॉडी की बात की जाए, तो वो है इलेक्शन कमीशन, ईसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग में इतनी पावर है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी कहलाती है, और ये जब इलेक्शन करवाती है किसी भी मामले में अगर धांधली हो तो वहाँ के पूरे इलेक्शन या जो बंदा उम्मीदवार जो खड़ा है उसको रिजेक्ट कर सकती है इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, स्वतंत्र है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो बताओ, है ना सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे संविधान का, कि जो भी काम होगा जनता के सामने होगा। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा, गलत तरीके से वोट पड़े हैं, या फिर ये जो उम्मीदवार हैं, जो ये बंदा कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो कैंडिडेट इसके योग्य नहीं है, उसमें वो क्वालिफिकेशन योग्यता ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन उसको बिल्कुल वहाँ से हटा सकती है और उन होर के चुनाव को भी रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, इलेक्शन कमीशन इतनी पावर है, समझ गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, ये एग्जांपल आपको लिख के आना है। दूसरी बात, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपस में विधायिका कार्यपालिका के बीच में कोई अनबन हो गई तो न्यायपालिका उस पर कंट्रोल करती है हमारे देश के अंदर। तो मतलब कोई भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर सकती, एक्वायर नहीं कर सकती। जैसे कि कोई राज्य राज्यों के बीच में, जैसे हमारा राजस्थान है गुजरात के साथ सीमा लगती है, तो गुजरात और राजस्थान के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कौन सुलझाएगा? जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है, क्योंकि स्टेट स्टेट के बीच में बाउंड्री को लेकर, या फिर अपने आपस में हमारे जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन, आपस में जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी नदियों के बीच में विवाद हो जाता है कि ऐसा कह देते हैं कि इन इन वालों ने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, हमारे को पानी नहीं छोड़ा, या फिर पानी के अंदर केमिकल मिला दिया, गंदगी मिला दी, ऐसे एक दूसरे में हमारे राज्य राज्य के बीच में ही, राजस्थान गुजरात के बीच में ऐसे खूब सारे मामले, राजस्थान हरियाणा के बीच में, ठीक है, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान गुजरात, जितने भी जो पास पास में होते हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, मतलब इनसे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन जब छोटा मोटा विवाद होता है तो उसको सुलझाता कौन है? जुडिशरी, न्यायपालिका, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, मतलब हमारा संविधान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अपने बुक में भी दे रखा है आपके, कि क्या संविधान न्यायपूर्ण है? इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? तो देखो, कोई भी चीज़ न्यायपूर्ण कब होती है? कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी खूबी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को न्याय संगत बताता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली बात करूँगा मैं, जैसे अपने पिताजी हैं, फादर हैं, तो फादर में ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो है, मतलब ऐसा कोई ना कोई गुण तो उनके अंदर हैं हमारे फादर में, कि हम उन फादर से रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, वरना कौन करेगा बताओ? वो क्या गुण है वो आप खुद सोच लो, कि हमारे पिताजी हमारा सारा खर्चा उठाते हैं, चाहे स्टडी का हो, चाहे कोई सा भी हो, हमारे मम्मा ले लो, चाहे हमारे दादाजी ले लो, कोई सा भी एग्जांपल है ना, उनमें ऐसा कोई ना कोई एक गुण होता, अवश्य होता है, ज़रूर होता है, कि वो अपने आप की रेस्पेक्ट अपन से करवाते हैं, बस सेम लाइक दैट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ, संविधान भी एक ऐसा गुण है संविधान के अंदर, समझ पा रहे हो, कि वो अपने आप का आदर करवाता है, रेस्पेक्ट करवाता है, मतलब कि वो एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन न्यायपूर्ण कब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट कब होता है? जब उसके अंदर लोगों को, लोगों का विश्वास छुपा हुआ हो, ठीक है, तभी तो अपन कहेंगे कि हाँ हमारा संविधान न्यायपूर्ण है। आओ इधर बताता हूँ, मेरी बात आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी, कि एक न्यायपूर्ण संविधान, पहले हिंदी में समझो, दोनों लैंग्वेज का बड़ा फायदा है, ज़बरदस्त आपके लिए गोल्डन चांस है कि दोनों भाषाएं सीख जाओगे, बड़े सिविल सर्विसेज में, इंटरव्यू वगैरह में, सब में दोनों लैंग्वेज पूछी जाती है, बहुत ज़रूरी होता है, हिंदी तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश तो आनी है, दोनों साथ में। तो एक न्यायपूर्ण संविधान, अब कोमा, संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। मैंने फादर का एग्जाम्पल लिया था, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान है,
एडजस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव सम रीजन, एक रीजन हमारे पिताजी ने दे रखा है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कोई प्रोविजन या कोई ऐसा प्रावधान है संविधान में कि वो हमसे ऑटोमेटिक आदर करवा लेता है, रिस्पेक्ट करवा लेता है, इसका मतलब न्यायपूर्ण तो है। दूसरी बात, एक न्यायपूर्ण संविधान वह है जो लोगों को ये विश्वास दिला सके कि वह उसकी जो बुनियादी न्याय हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, उनके लिए एक मंच देगा, उनके लिए एक स्टेज देगा, उनके लिए एक उपयुक्त ढांचा उपलब्ध कराएगा। भाई जैसे आपके साथ अगर अन्याय हो रहा हो, हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे जुडिशरी के पास, मतलब न्यायपालिका के पास, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ हम जाएंगे। तो ये जाएंगे, ये पावर किसने दी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी कि आपके साथ अगर अन्याय होता हो तो इन इन आर्टिकल के तहत, इन इन धाराओं के तहत, इन इन अनुच्छेदों के तहत आप अपने आप का न्याय करवा सकते हो। ठीक है, अपने आप का न्याय करवा सकते हो, अपने आप को जस्टिस दिला सकते हो। बस वही तो है कि जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन गिव कॉन्फिडेंस टू द पीपल दैट इट प्रोवाइड्स ए सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग बेसिक जस्टिस। एक न्याय हमें दिला सके ऐसा काम अगर हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट कहलाता है। इसलिए एक संविधान न्यायपूर्ण ही होता है। तो ये बेस्ट लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज यही रखनी है, ऑथेंटिक लैंग्वेज है। थोड़ा स्टैंडर्ड की जरूरत है, आगे पीछे वर्डों का थोड़ा घुमाया मत देना, ऐसा कैसा आपको लिखना है। तो आज का वीडियो भी थ्योरी का बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थ्योरी। अब नेक्स्ट जो आएगी वो वही आएगा जो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के जो दो वीडियो मैंने डाले थे ना, उन दोनों वीडियो के अकॉर्डिंग ये होंगे, वो अपना पार्ट थ्री होगा। वापस वही सिस्टम रिवाइज करा दूं कि आपको नोट्स मेरे साथ के साथ बनाना है, ईमानदारी के साथ बनाना है, और जब भी पढ़ना बैठो पार्ट थ्री पढ़ो तो वन और टू को पहले रिवीजन करना है, फिर थ्री पढ़ना है, वो सिस्टम अप्लाई करना। वन पढ़ो तो टू रिवीजन करना है, टू पढ़ो तो वन का रिवीजन, टू पढ़ो तो थ्री पढ़ो तो वन और टू का रिवीजन, फोर पढ़ो तो वन टू थ्री का रिवीजन, वो सिस्टम अप्लाई करना, बार बार रिवीजन करना। इलेवंथ और ट्वेल्थ आपस में कहते हैं ना मैच खाई हुई है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासेज है। ठीक है,